Because Gramps, your digestive system feed grow your intelligence. Out of it, Gram helps your body to remove extra fat and keep your body slim. During your uncomfortable journey from Rajpur to Ambikapur, Bilaspur, Rapur, Jabalpur, Katni, Satna, Durg, Bhilai and Maharashtra, I had been also a traveler like you. I had also come to this rare place to enjoy the beautiful scene of nature. I had fully contented. आपने रोड किनारे या मार्केट में कई तरह के खाने पीने की दुकानों को देखा होगा। आप वहाँ अक्सर खाने पीने के लिए भी जाते होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कैसा ठेला है जिसका चना बेचने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वह लोगों को आकर्षित करने के लिए इंग्लिश बोलकर चने बेचते हैं। ऐसे ही चने के गुण वह लोगों को भी बताते हैं। उसके इस स्टाइल का अब हर कोई फैन है। अब बड़ी संख्या में लोग भी उनकी दुकान पर चना खाने पहुँचते हैं। दरअसल मूल रूप से बिहार के हाजीपुर के रहने वाले देव खलन कई साल पहले रोजगार की तलाश में बलरामपुर आए थे, मगर उन्हें यहाँ नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने राजपुर बस स्टैंड में चना बेचना शुरू कर दिया। वह ठेला लगाकर चना बेचने लगे। वह कई तरह से चने को मसालेदार बनाकर लोगों को बेचते हैं। वह कई साल से इसी स्टाइल में लोगों को अपनी दुकान में बुलाते हैं और चना बेचने का काम करते हैं। उन्होंने इसके लिए अपने ठेले में लाउड स्पीकर भी लगा रखा है। देवखलन ने बताया कि काम तो सब कर रहे थे, मगर वह अलग स्टाइल में चना बेचना चाहते थे, इसलिए हमने किसी तरह से अंग्रेजी सीखी और इसी स्टाइल में हम चना बेचते हैं। देवखलन ने बताया कि वह ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन किसी तरह यहाँ वहाँ से सुनकर थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली है। देवखलन माइक के जरिए ही लोगों को अंग्रेजी बोलकर अपने पास में बुलाते हैं। वह इंग्लिश में ही लोगों को ये कहते हैं कि चना उनके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। साथ ही वह लोगों को यह भी बताते हैं कि यदि आप राजपुर बस स्टैंड की तरफ से कहीं जा रहे हैं तो एक बार यहाँ ये और चना खाइए, आपका सफ़र आसान हो जाएगा। इन दिनों उनका यह स्टाइल राजपुर में काफ़ी चर्चाओं में है। लोग बताते हैं कि इस बस स्टैंड में जो भी शख्स आता है वह देवखलन के दुकान में चने खाकर जरूर जाता है और लोगों को उनका यह स्टाइल काफ़ी पसंद है।